वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल रहस्य टीवी इंडिया को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस घंटे को भी क्लिक कर लें, जिससे कि आप हमारे वीडियोस देख सकें सबसे पहले। समुद्र की गहराई से भी ज्यादा गहरा उसमें छुपा रहस्य है। जी हां दोस्तों, पृथ्वी का 71% हिस्सा आज भी पूरी तरह रहस्यों से भरा पड़ा है। समुद्र की गहराई में छुपे रहस्यों का पता लगाने के लिए साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करते हैं, और इसी मेहनत का नतीजा है कि हमें समुद्र के बारे में आए दिन नई नई चीजों की जानकारी होती रहती है। समुद्र की गहराई में दफन कई ऐसे राज हैं जो अब लोगों के सामने आ रहे हैं। समुद्र में चलाए जा रहे तलाशी अभियान से हमें कई रहस्य और रहस्यमय चीजों के बारे में पता चला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में समुद्र के अंदर मिले 10 सबसे खास और अद्भुत चीजों के बारे में जानते हैं। नंबर 10, डुगोंग। डुगोंग मीडियम साइज्ड मरीन मैमल है। इसकी लंबाई 2 से 3 मीटर और वजन 300 किलोग्राम तक होता है। इसे समुद्री गाय भी कहते हैं। मीट और तेल की वजह से इनका काफी शिकार किया जाता है, जिसकी वजह से डुगोंग विलुप्त होने के कगार पे पहुंच चुके हैं। इनके विलुप्त होने के कगार पे पहुंच चुके होने के बावजूद कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। कुछ साल पहले एक डुगोंग और उसके बच्चे को इंडोनेशिया में मछुआरों ने कैद कर लिया। इन दोनों को कैद करके समुद्र के अंदर ही अलग पिंजरे में रखा गया था। कैद करने वालों ने मदर डुगोंग को जंजीर से बांध रखा था। इसे टूरिस्ट के लिए कैद किया गया था ताकि लोग डुगोंग को करीब से देख सकें। जब डाइवर्स को पिंजरे में कैद डुगोंग को देखने की इजाजत मिली, उसके बाद जंजीर में बंधे इस पुअर क्रीचर की फोटो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। फोटो इंडोनेशिया एनिमल वेलफेयर तक पहुंची। उसके बाद मिनिस्टर ने मछुआरे की कैद से डुगोंग और उसके बच्चे को आजाद कराया। नंबर 9, ट्रेन ग्रेवयार्ड। समुद्र की गहराई में डूबा हुआ जहाज मिलना आम बात है, लेकिन अगर समुद्र में 90 फीट गहराई में ट्रेन के 2 इंजन मिले तो फिर ये हैरान करने के साथ ही कई सवाल भी पैदा करता है। 1985 में न्यूजर्सी के समुद्र में पॉल हेल्पर ने 90 फीट की गहराई में ट्रेन के 2 इंजन का पता लगाया। डीप रिसर्च के बाद पॉल हेल्पर ने बताया कि दोनों स्टीम इंजन 222T मॉडल के हैं। इनका निर्माण लगभग 1850 में किया गया था। इंजन का वजन 15 टन था, जबकि उस समय इंजन का औसत वजन 35 टन हुआ करता था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये दोनों इंजन निर्माण के कुछ समय बाद ही समुद्र में डूब गए, लेकिन ये समुद्र में डूबे कैसे, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। कोई नहीं समझ पा रहा कि आखिर 15-15 टन के 2 इंजन समुद्र में डूबे कैसे। किसी भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में इन दोनों इंजन का जिक्र नहीं है। नंबर 8, सिल्फ्रा, द क्रैक बिटवीन 2 कॉन्टिनेंट्स। 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच के बॉर्डर लाइन को मैप पे देखना तो काफी आसान है, लेकिन यही बॉर्डर लाइन समुद्र के अंदर देखने को मिल जाए तो फिर ये किसी सरप्राइज से कम नहीं है। आइसलैंड के थिंगवॉल वटन लेक के टेक्टोनिक प्लेट्स में पड़ी लंबी दरार यूरोप और अमेरिका कॉन्टिनेंट्स को अलग करती है। सिल्फ्रा का दरार अर्थ सर्फेस में पड़ी सबसे बड़ी दरारों में से एक है। डाइवर्स के लिए इसे एक टूरिस्ट प्लेस बनाया गया है। सिल्फ्रा की गहराई 60 मीटर तक है, लेकिन सेफ्टी को देखते हुए डाइवर्स को 18 मीटर तक ही जाने की इजाजत है। इस लेक के पानी का तापमान 2 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अत्यधिक ठंड के बावजूद सिल्फ्रा डाइवर्स का फेवरेट अट्रैक्शन बना हुआ है। सिल्फ्रा क्रैक एकमात्र ऐसी जगह है जहां आप 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच डाइविंग कर सकते हैं। सिल्फ्रा क्रैक हर साल लगभग 2 सेंटीमीटर खिसक रहा है। नंबर 7, अपोलो 11 इंजन। नासा का अपोलो मिशन मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मिशन में से एक था। इस ऐतिहासिक मिशन से जुड़ी एक चीज काफी महत्वपूर्ण है। मार्च 2012 में अमेज़न CEO जेफ बेजोस की एक्सपेडिशन टीम ने अटलांटिक ओशन में अपोलो 11 मिशन में इस्तेमाल किए गए रॉकेट इंजन को ढूंढ निकाला। नासा समेत सभी का मानना था कि यह इंजन हमेशा के लिए गायब हो चुका है, लेकिन जेफ बेजोस के पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से इस इंजन को 40 साल बाद दोबारा लोगों के सामने लाया जा सका। मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लॉन्च करने के बाद F1 रॉकेट इंजन 5000 माइल्स प्रति घंटे की स्पीड से अर्थ एनवायरनमेंट में वापस आते हुए अटलांटिक ओशन की गहराई में खो गया था। 2012 में जब इसे ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तब यह इंजन 14000 फीट की गहराई में मिला। ओशन से निकालकर इसे सियाटल के म्यूजियम में रखा गया है। नंबर 6, द पर्पल ब्लॉब। पहली नजर में शायद आपको ये एक बेशकीमती पत्थर लगे, लेकिन आपको बता दें कि ये कोई चमकदार पत्थर नहीं बल्कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पैसिफिक ओशन की गहराई में साइंटिस्ट ने इस खूबसूरत क्रीचर को ढूंढा है। 2016 में रोबोट की मदद से किए जा रहे सी एक्सप्लोर मिशन के दौरान इस क्रीचर के बारे में पता चला। कुछ साइंटिस्ट इसे नया क्रीचर मान रहे हैं, वहीं कुछ का कहना है कि ये ट्यूनिकेट नाम के समुद्री क्रीचर का छोटा रूप हो सकता है। पॉसिबिलिटी अभी है कि ये किसी क्रीचर का अंडा हो। आपको क्या लगता है ये क्या हो सकता है, हमें जरूर बताएं। नंबर 5, आइसी फिंगर ऑफ डेथ।
हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपने इस तरह का नेचुरल फिनोमेना कभी नहीं देखा होगा। आइसी फिंगर ऑफ डेथ समुद्र की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इस घटना में बर्फ की एक सीधी रेखा पानी को जमाते हुए नीचे की ओर आती है। बर्फ की लाइन जैसे ही समुद्र की गहराई में सतह तक पहुंचती है, यह और तेजी से बढ़ने लगती है और अपने कॉन्टैक्ट में आए सभी जीवों की जान ले लेती है। यही वजह है कि इसे आइसी फिंगर ऑफ डेथ कहा जाता है। सतह पर आते ही इस बर्फ के संपर्क में आने वाले सभी जीव इसी में फंस जाते हैं, जिससे जाल में मछली फंसती है। फंसने के तुरंत बाद ही जीव की मौत हो जाती है। बीबीसी ने इस घटना को अपने कैमरे में कैद किया था। उसके बाद ये पूरी दुनिया में वायरल हो गया। इस फिनोमेना के बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि समुद्र के ऊपरी और निचले हिस्से में तापमान में अंतर होने की वजह से बर्फ की लाइन जानलेवा हो जाती है। नंबर 4, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट शिपरेक। बुल्गारिया के ब्लैक सी में रिसर्चर्स ने सबसे पुराने जहाज को ढूंढा है। ये जहाज लगभग 2400 साल पुराना है। इसे 2000 मीटर की गहराई में ढूंढा गया। इसे लकड़ी से बनाया गया था और इसकी लंबाई 23 फीट थी। जिस जगह पर यह जहाज डूबा था वहां ऑक्सीजन की काफी कमी है, जिस वजह से लकड़ी से बने होने के बावजूद ये आज भी वेल प्रिजर्व्ड है। अत्यधिक गहराई में होने की वजह से इस जहाज को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है और एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए रिसर्चर्स को एक्स्ट्रा फंड्स की भी जरूरत है। नंबर 3, द बाल्टिक सी एनोमली। बाल्टिक सी एनोमली समुद्र के बड़े रहस्यों में से एक है। 2011 में सोनार इमेज की मदद से पीटर लिंडबर्ग ने इसे ढूंढा था। पहली नजर में कोई भी इसे आसानी से एलियन शिप मान सकता है। ये एलियन शिप की तरह ही गोल है। इस ऑब्जेक्ट का डायमीटर 200 फीट है। ये किसी भी एंगल से नेचुरल फॉर्मेशन नहीं लगता है, जिस वजह से लोग इसे एलियन शिप मानने लगे। सोनार इमेज मिलने के बाद जब दूसरी टीम इस ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाने गई, तो इस ऑब्जेक्ट के पास पहुंचते ही इनके सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज ने काम करना बंद कर दिया। उन्हें फोटो और सैंपल के बिना ही वापस आना पड़ा। इस घटना के बाद इसे एलियन शिप मानने वालों के दावों को और बल मिला। हालांकि 2012 में ओशन एक्स की एक टीम उस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने में कामयाब रही। उस ऑब्जेक्ट से लिए गए सैंपल की जांच में ग्रेनाइट, नाइस और सैंडस्टोन पाया गया, जिससे ये बात साबित हो गई कि ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट ही है। साइंटिस्ट का कहना है कि ग्लेशियल और पोस्ट ग्लेशियल प्रोसेस की वजह से इसका आकार गोल हो गया। नंबर 2, एसएस गेयरसोपा। ओडिसी मरीन एक्सप्लोरेशन कंपनी के लिए 1941 में डूबे एसएस गेयरसोपा जहाज को ढूंढना किसी लॉटरी से कम नहीं था। चांदी से लदा हुआ ये मर्चेंट शिप 1941 में जर्मनी के हमले में डूब गया था। इस हमले में 85 लोगों की जान भी गई। डूबने के बाद 70 सालों तक इस जहाज का कोई सुराग नहीं मिला। 2011 में ओडिसी मरीन एक्सप्लोरेशन ने इस जहाज को ढूंढ निकाला। एसएस गेयरसोपा समुद्र में 4700 मीटर की गहराई में था। जहाज के साथ ही कंपनी को चांदी का खजाना भी मिल गया। 2011 में एसएस गेयरसोपा से मिली चांदी की कीमत $200 मिलियन थी। चूंकि ये जहाज ब्रिटिश सरकार की थी तो चांदी पे भी उन्हीं का हक था। हालांकि ओडिसी मरीन और ब्रिटिश सरकार के बीच हुई डील के मुताबिक 80% चांदी ओडिसी मरीन और सिर्फ 20% ब्रिटिश सरकार को मिलने की बात तय हुई। अब तक एसएस गेयरसोपा से 48 टन चांदी निकाली जा चुकी है। नंबर 1, एंटीकिथेरा मैकेनिज्म। एंटीकिथेरा मैकेनिज्म को दुनिया का पहला कंप्यूटर माना जाता है। 1901 में रिसर्चर्स ने समुद्र की गहराई में एक एंशियंट शिप का पता लगाया। इस जहाज से कई प्राचीन चीजें मिली, लेकिन इन सभी में से लकड़ी के बॉक्स में रखे एक सामान ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। लाख कोशिशों के बावजूद कोई नहीं बता सका कि आखिर यह है क्या। 1971 में न्यूक्लियर फिजिसिस्ट चर्लम पॉस कारकालोस ने इस ऑब्जेक्ट के एक्सरे और गामा रे इमेज की स्टडी के बाद बताया कि एक कंप्यूटर है जिसे रोमन साइंटिस्ट ने बनाया था। इसका उपयोग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने में किया जाता था। साइंटिस्ट का कहना है कि यह कंप्यूटर लगभग 1800 से 200 साल पुराना है। नंबर 4, सी स्प्लिट्स इनटू टू, केरला। 2018 में केरल में आए बाढ़ ने पूरे राज्य में तबाही मचाई थी। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और सैकड़ों लोगों की मौत हुई। बाढ़ खत्म होने के बाद इस राज्य में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। बाढ़ के बाद मल्लापुरम जिले में बीच पर समुद्र दो हिस्सों में बट गया था। समुद्र से लगभग आधे किलोमीटर तक रेत जमा हो गया था। इस रेत की वजह से समुद्र दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था। इस नए आइलैंड को देख लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। लोग दूर दूर से इसे देखने आने लगे। रिसर्चर्स ने इस घटना को रेयर नेचुरल फिनोमिना बताया, हालांकि इसके पीछे की वजह नहीं बता सके। रिसर्चर्स का कहना था कि समुद्र में हाई टाइड उठने पे समुद्र के बीच जमा रेत फिर से समुद्र में चला जाएगा। नंबर 3, डेविल्स केटल। डेविल्स केटल आज भी साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। मिनेसोटा की ब्रूल रिवर पहाड़ पे बहते हुए चट्टान की वजह से दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा 800 फीट नीचे आते हुए खूबसूरत वाटरफॉल का निर्माण करता है, लेकिन दूसरा हिस्सा चट्टान पे ही बने गहरे होल में गिरता है। नदी का दूसरा हिस्सा जो गहरे होल में गिरता है, उस होल में गिरने के बाद पानी कहाँ जाता है किसी को इस बात की जानकारी नहीं है।
रिसर्चर्स का मानना था कि शायद होल से होते हुए पानी किसी झील में जमा होता हो। इस बात को जांचने के लिए उस होल में ढेर सारा रंग डाला गया ताकि अगर पानी किसी झील में जाए तो पानी का रंग बदल जाए और फिर इस होल में जाने वाले पानी का राज भी खुल सके। लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली। दूसरी बार टेस्टिंग के लिए होल में छोटे छोटे बॉल्स डाले गए, पर इस एक्सपेरिमेंट से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। होल में जाने वाले ब्रूल रिवर के आधे पानी का राज आज भी अनसुलझा ही है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।